आप देख रहे हैं अफसरनामा और अफसरनामा में आज बात आईएएस अधिकारी डॉक्टर एसएस फुलिया की, जिन पर बड़ी जिम्मेवारी है। स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं प्रदेश में एजुकेशन के। किस तरह से उनकी कार्यशैली होती है, इस विभाग में काम क्या होता है, वो जमीन पे दिखाएंगे आप। तो आप देख सकते हैं कि सर अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग हो रही है, असेसमेंट, एक मूल्यांकन किस तरह से काम काज का पूरे प्रोजेक्ट के तहत जो चल रहा है उसका लिया जाता है, उसी को लेकर ये चर्चा है। सर, इस तरह का जो ये मूल्यांकन की अगर मीटिंग की बात करें, किस तरह से आप करते हैं? बिल्कुल, ये टाइम टू टाइम और विशेषकर मंडे को हम पूरी जितनी स्कीम्स हैं अलग अलग के, एक दिन मंडे को कोई स्कीम है, जैसे खासकर हम सिविल वर्क्स की बात करें तो मंडे को, आईईडी की बात करें तो ट्यूसडे को, तो 9 बजे मैं ऑफिस आ जाता हूँ। 9 बजे से कोई न कोई मीटिंग सारे ऑफिसर्स को बुलाकर और जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उनको रिव्यू किया जाता है, वो चाहे केजीबी की बात करें या स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे की बात करें या इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन की बात करें या किसी भी कंपोनेंट की बात करें, लर्निंग एनहांसमेंट की बात करें या प्रोक्योरमेंट की बात करें, तो इसके बारे में रिव्यू किया जाता है। और जब से मैंने ज्वाइन किया है, पिछली जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर, और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो सिविल वर्क्स के कंपोनेंट थे, चाहे रूम था, चाहे वो टॉयलेट्स थे, चाहे हेडमास्टर रूम था, चाहे वो रैम थे, तो लगभग 3500 के करीब ऐसे सिविल वर्क्स के कंपोनेंट्स थे जो 2002-03 से शुरू नहीं हो पाए थे। तो मेरे जितने भी ऑफिसर्स ने, फील्ड ऑफिसर्स ने एक बड़ा ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइज किया और उसके आधार पर ये नीड पता कर ली कि कहाँ कहाँ पर ये कमरे बनाने की आवश्यकता है, और वो सारे के सारे हमने आवश्यकता अनुसार उनको सबको अलॉट कर दिया गया। यदि आज की कुल की बात करूँ कि 2017-18 में हमने 5570 ऐसे काम सिविल वर्क्स के स्टार्ट कर दिए हैं पूरे हरियाणा में, जो कि चाहे कमरे बढ़ने की बात है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि बहुत कम ज़रूरत रहेगी यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो पूरे हरियाणा में कंप्लीट होगा। अभी कुछ स्कूल्स बाकी हैं जो कंप्लीट बिल्डिंग है, उनके लिए टेंडर वगैरह की प्रक्रिया हमने स्टार्ट कर दी है, और दूसरे भी जैसे दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम शुरू में ही, जैसे ही बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए मेडिकल कैंप लगाते हैं, जून जुलाई में वो कंप्लीट कर लिए जाते हैं, उसके बाद उनकी नीड असेस करके उनकी जितनी जो भी दिव्यांगता है उसके हिसाब से हम लिम्को से उनको ऑर्डर दे दिया जाता है और उनको जितने भी ऑपरेटर्स उनको देने होते हैं वो टाइमली उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस बार हमने टेक्स्ट बुक का जो, क्योंकि SSA के तहत 1 से 8 तक के क्लास के विद्यार्थियों को, सभी लगभग 15 लाख बच्चों को हम टेक्स्ट बुक देते हैं, फ्री टेक्स्ट बुक हर बच्चे को, तो उसके लिए प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। और जैसे ही ये सारी क्लास की हम टेक्स्ट बुक प्रिंट करवा के, और इस बार यदि सारी चीज़ें व्यवस्थित चली तो 1 अप्रैल को जब बच्चा नई क्लास में दाखिला लेने आता है तो उस दिन उसके हाथ में वो बैग होगा पुस्तकों। अमूमन हम खबरों में देखते हैं कि जब सेशन शुरू हो चुका होता है उसके कई महीने बाद तक किताब नहीं मिलती, ये कमी कहाँ रह जाती है? जी बिल्कुल, कई बार ये बिल्कुल आपने सही बताया कि पिछले सालों में ये दिक्कत कुछ टाइम रही है कि कई बार लेट हो जाती है। उसका रीज़न बहुत सारे रीजन्स हैं, कई बार डिले, RC होना, रेट कॉन्टेक्ट हम करते हैं। इस तरह का कुछ आपकी तरफ से इंश्योर किया गया है कि इस तरह की स्थिति अब कभी दोबारा ना हो भविष्य में? बिल्कुल, ये मैंने अभी जैसे बताया कि हमने सारा ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसकी अनुमति ले ली है, और जैसे ही अनुमति 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगी और हम ये टेंडर का या दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, और मुझे पूर्ण आशा है कि इस बार 1 अप्रैल को हर बच्चे के हाथ में पुस्तकें होंगी। तो ये एक बड़ी अहम जानकारी आपके लिए बता दें कि अमूमन आपने खबरों में देखा होगा, हमारे ज़रिए हम उठाते रहते हैं कि किसी स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, रूम नहीं है, टूटे हुए हैं, यूनिफॉर्म की दिक्कत है, कहीं कहीं टेक्स्ट बुक की दिक्कत है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ जो हमारी जानकारी के लिए भी है कि स्टेट प्रोजेक्ट जो हुआ है हरियाणा का, जो जिस जिम्मेवारी पर डॉक्टर SS फुलिया बैठे हैं, उस उन फैसिलिटीज़ को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो एजुकेशन को पूरी तरह से मजबूत करने में ज़रूरी होते हैं, वो
बड़ी मददगार साबित होती है, चाहे ये स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें। ये एक बड़ी जिम्मेवारी है, इसके बाबत और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। तो एजुकेशन जो स्टेट में जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से चलता है, जमीन पर क्या क्या काम करता है, हमारे लिए भी ये सुखद आश्चर्य का विषय है कि इतने सारे काम होते हैं, चाहे दिव्यांग बच्चों की बात करें या गरीब बच्चों की बात करें, कि उनको पढ़ाने के लिए जमीन पर सरकार की तरफ से बहुत कोशिश होती है। सर ये जानना चाहेंगे, ये एक आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा है और क्या है और पूरे स्टेट में स्थिति क्या है? ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक आईडी कंपोनेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज जो बच्चे हैं हमारे, तो उनके लिए खासकर विशेष सरकार ने और भारत सरकार ने प्रबंध किए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए स्पेशल टीचर लगाए गए हैं। हमारे लगभग पूरी स्टेट की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग डिसेबिलिटीज़ में बच्चे हैं, वो चाहे मेंटली रिटार्डेड के हों, चाहे हियरिंग एड्स के हों, चाहे ब्लाइंडनेस के हों, चाहे किसी अन्य दूसरी डिसेबिलिटीज़ हैं, उन सब के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके पूरी एजुकेशन देने के लिए हम सभी हर तरह से प्रयास करते हैं। और इसमें खासकर हमारे जो स्पेशल टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, या जो बच्चे हम जिन बच्चों को नॉर्मल क्लास के विद्यार्थियों के साथ बैठाकर उनको पढ़ा सकते हैं, तो वो बच्चे वहाँ क्लास में बैठकर पढ़ते हैं। परंतु कुछ बच्चे जैसे आप देख रहे हैं पर, कुछ मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, कुछ हियरिंग के हैं, या कुछ दूसरे बच्चे हैं विजुअली हैंडीकैप हैं, तो ये सारे के सारे बच्चे, उनको स्पेशल टीचर जो हमारे उनकी देख रेख में और हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी लीडरशिप के तहत ये सारी उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर, ताकि उन बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में लेकर आ सकते हैं। इसके लिए और भी कई प्रकार की एक्टिविटीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं। यदि बात करें तो हम उनके लिए स्पेशल गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेशल एडवेंचर कैंप हम लगाते हैं। जैसे रिसेंटली आजकल हमने इन्हीं बच्चों को पंचमढ़ी में भेजा हुआ है, अभी हमारे C21 को हम गेम्स करवा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उसके बाद हम स्टेट लेवल के 1 से 3 तारीख को डिसेबल डे है, उसके ऊपर हम स्टेट लेवल का इनका बच्चों का स्पोर्ट्स कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे स्टेट का। तो इस तरह से इन बच्चों को एक इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग ये है कि हम उन बच्चों को, जो आम बच्चे हमारे सामान्य बच्चे हैं, उनको उसी तरह के मौके देकर, उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। ये मतलब बहुत ही अद्भुत जानकारी है, यूँ कहिए कि जिस तरह से अमूमन क्या है कि जो गरीब बच्चा है, या यूँ कहिए कि जिसके माता पिता इस हालत में हैं और बच्चा दिव्यांग है, तो वो इस तरह से उसे एक बड़ी मुश्किल मान लेता है अपने लिए, लेकिन सरकार ने इस तरह से उसे एक मेन स्ट्रीम में लाने की जो कोशिश है, जो कवायद है ज़मीन पर, वो यकीनन तौर पर सराहनीय है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट के तहत चलती हैं, और डॉक्टर SS फुलिया जिस तरह से इनको देखते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और हम अपने विचार पे सही हैं या गलत हैं इसके बारे में भी पता चलता है। हमारे मन की विचार के हमारे मन की बात में हमारे विचारों को हम टीचर के आगे रखते हैं, और टीचर हमें इसके बारे में बताते हैं कि आप अपनी जगह पे ठीक है या गलत। टीचर हमें इसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताते हैं, जैसे हमारा लास्ट सैटरडे टॉपिक था दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में हमें हमारी टीचर्स ने बहुत इसके बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई। पिछड़ा हुआ इलाका था उसमें आप सभी गए, वहाँ लोगों को जो जहाँ पर मतलब पढ़ाई का शिक्षा का स्तर कम है, तो वहाँ पर जाकर आपने लोगों को शिक्षित किया है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत गुड। अच्छा, ये आप लोगों के लिए भी बड़ी सीख है। और बता दें कि हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स पे जो उंगलियां उठा देते हैं ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये शिक्षा का स्तर है, बच्चियों को देख लीजिए, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश के स्कूल हैं जो ज़मीन पर शिक्षा के स्तर को सुधारने में और इस तरह के बच्चे, कॉन्फिडेंट बच्चे बना रहे हैं, मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। बेटा ये मन की बात है, बिल्कुल आप ये चर्चा करते हैं अपने समूह में बैठकर, बहुत बढ़िया। तो इसमें टीचर्स का कितना सहयोग मिलता है बेटा? सर, टीचर्स हमें हमेशा ही बताती रहती हैं, टीचर्स हमारी ललिता मैम एंड पुष्पा मैम, हमें सारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल मैम हमें सब बहुत वो करते हैं कि प्रेरित करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमारे पास पूरा मटेरियल
है, हम प्रेजेंटेशन देते हैं टाइम टू टाइम, नाइन्थ क्लास से शुरू कर देते हैं, नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में बार बार बच्चों को उसके बारे में बताते हैं कि आपके पास इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन से कॉम्पिटेटिव टेस्ट में आपको अपीयर होना है, उसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये बच्चों के ऊपर ये बात हमने छोड़ी हुई है कि आप हमारी गाइडेंस में अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव करें। और जैसे ये IT एंड HT दो ऑप्शंस हैं NSQF में, इसके बारे में पूरी इनको डिटेल जानकारी दी जाती है कि इससे आपको क्या क्या जॉब्स मिल सकती हैं, किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चे ये सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिर वो तय कर लेते हैं। तो ये देखिए बड़ी चीज़ में ये हमारे लिए सुखद आश्चर्य का विषय है, हैरानी है हमारे प्रदेश के स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था। स्टेट एजुकेशन जो प्रोजेक्ट है और SS फुलिया साहब ने आज सच में बड़ी जानकारी दी है, और प्रदेशवासियों से हमारी अपील ये रहेगी कि जो ये एक होता है कि कहीं पैसा उनके लिए कमी हो सकता है या दूसरी चीज़ें, सारी तो व्यवस्थाएं हैं, आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल सकती है। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे प्रदेश में नाइन्थ स्टैंडर्ड से ही बताना शुरू कर दिया जाता है कि कौन सा कैरियर आपके लिए बेहतर हो सकता है, उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। बताइए हरियाणा के सरकारी स्कूल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल ऐसे लग रहा है जैसे किसी कॉरपोरेट ऑफिस आ गए हों। सरकारी स्कूल, हम लोगों को भी बड़ी हैरानी होती है कि इतनी सारी खबरें हम चलाते हैं कि सरकारी स्कूलों में बैठने तक को जगह नहीं होती, तो ये स्थिति हमारे लिए बहुत ही मतलब एक हैरान कर देने वाली तो है ही, सुखद आश्चर्य भी है, प्रसन्नता भी हो रही है, आप लोगों को बताते हुए भी हो रही है। लेकिन सर एक और बात, एक सवाल आता है कि ये कुछ ही स्कूलों में क्यों, प्रदेश के ज़्यादातर स्कूलों में तो स्थिति गंभीर है। नहीं बिल्कुल, मैं क्योंकि SSC और रमसा में RMSA में और हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में उनके दूरदर्शिता का जो परिणाम है कि बहुत हम हर स्कूल में प्रयास कर रहे हैं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना हो, अच्छे ब्लैक बोर्ड उपलब्ध हों, चाहे वो ग्रीन बोर्ड हों वाइट बोर्ड हों, तो उनकी उपलब्धता हो। और साथ ही साथ जैसे आप, मैंने पहले भी बताया था आपको, हर बच्चे को विद्यार्थी को हम उनकी पसंद के हिसाब से हम ड्रेस उपलब्ध करवाते हैं जो कि फ्री होती है। जैसे मैंने बताया था 800 रुपये और 1000 रुपये बच्चे के अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, और ये स्कूल पर और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पर निर्भर करता हूँ किस तरह की स्कूल पर ड्रेस लगवाना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि बात करें दूसरी सुविधाओं की, वो भी सारी की सारी सुविधाएं हम फ्री इन स्कूलों में प्रोवाइड करते हैं। और धीरे धीरे क्योंकि इतने अच्छे यहाँ पर बेंच हैं और इतने अच्छे कंप्यूटर हैं और सारी की सारी, क्योंकि ये IT लैब है, और ये मैं इसका सारा देना चाहता हूँ कि हमारी जो स्कूल की लीडरशिप है उसको, कि वो कितना इंटरेस्ट लेकर उन सभी चीज़ों को पूरा कर पाता है, स्कूल को कितना ऊंचा ले जा सकता है। तो यहाँ की जो स्कूल की जो हमारी प्रिंसिपल है, ये बहुत ही मेहनती और बड़ी इन चीज़ों के लिए प्रयासरत रहती है हमेशा कि अच्छी से अच्छी सुविधाएँ सारी की सारी प्रदान करें बच्चों के लिए, ताकि बच्चे यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो एक बहुत ही अपने करियर को उज्ज्वल करके अच्छा बना सकें। बहुत बढ़िया, इन ऑल रेस्पेक्ट एक मजबूत नागरिक देश को देने की कवायद है मैम, हम भी सराहना करते हैं आपके काम की, और जो टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए भी प्रेरणा है कि सरकार की तरफ से सहयोग की कमी नहीं है, वो कितना ज़मीन पे काम करते हैं उस इच्छा शक्ति की कमी है। अफसरनामा लगातार जारी है।